फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं घर पर प्रेगनेंस टेस्ट करने के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे पास देख पा रहे हैं, मैं मतलब आपको इसमें करके दिखा रही हूं, यूरिन सैंपल ये नहीं है, लेकिन यूरिन सैंपल में आपको कैसे दिखाई देगा। अब जैसे हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट सभी के घर में होता है, नमक, मैंने नमक लिया हुआ है। और आपको कैसे अपना प्रेगनेंस टेस्ट करना है, देखिए, जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो आपको बहुत जल्दी जानने की इच्छा होती है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको लेना कैसे है और कैसे ये प्रेगनेंस टेस्ट करना है। देखिए, जब आपके पीरियड्स मिस हो जाएँ और पीरियड्स मिस होने के साथ साथ आपको ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको अगर दिखाई देते हैं तो आपको अपना प्रेगनेंस टेस्ट लगा लेना चाहिए। जैसे कि पीरियड मिस होने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हो, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही हो, आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन यानी कि आपको बार बार यूरिन जैसा फील हो रहा हो, और आपके ब्रेस्ट में बहुत भारीपन फील हो रहा हो, तो और हल्की सी प्रिकिंग आपको पेट में फील हो रही हो, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। अब प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले एक शर्त ये है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, जो भी पीरियड डेट है, उस दिन आपको पीरियड्स नहीं आएंगे अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो आपको उसके बाद कम से कम 5 दिन का वेट करना ज़रूरी होता है। तो जो भी आपके, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपको पीरियड आते हैं और आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आपको 5 दिन के बाद यानी कि 6 तारीख में आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट लगाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं तो आपको फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल ही यूज़ करना है, यानी कि जो आप यूरिन में फर्स्ट, आप मॉर्निंग में उठती हैं, जो फर्स्ट यूरिन पास आउट करेंगे उसको आपको सैंपल के तौर पर किसी भी बॉल में या फिर आप किसी भी चीज़ में, कंटेनर में, उस चीज़ में लीजिए जो साफ़ सुथरा हो, जिसमें पानी ना हो, उसमें आपको ले लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो जैसे हमने 2 यूरिन सैंपल लिए हैं, तो जो एक प्रेग्नेंट लेडी का है, एक प्रेग्नेंट लेडी का नहीं है, तो जिसमें जो प्रेग्नेंट होती है उसमें आपको कैसे दिखाई देगा, जो प्रेग्नेंट नहीं होती है उसमें आपको कैसे दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने नमक लिया है, यानी कि सॉल्ट सभी के घरों में होता है, तो आपको लेना है नमक, आपको नमक डालना है इसमें यूरिन सैंपल में, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें कम से कम 2 से 3 मिनट का वेट करना है। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें आपको कोई, जो प्रेग्नेंट नहीं होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जब आप यूरिन में सॉल्ट डालेंगे तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको 2-3 मिनट के बाद वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन जो प्रेग्नेंट होती हैं उसमें आपको ऊपर एक तो हल्के से बबल्स दिखाई देंगे, यानी कि थोड़े बुलबुले टाइप के, और दूसरी चीज़ जब आप नमक डालेंगे 2-3 मिनट के बाद उसमें एक लेयर सी, इसमें जमी हुई सी दिखाई देगी। तो अगर इसमें चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है आप प्रेग्नेंट हैं, आप ने कंसीव किया हुआ है, और अगर कोई भी चेंज नहीं आया है तो इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये तो चलो इससे आपको थोड़ा सा ये आपको ये हो जाएगा कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए मार्केट में किट आती है जो कि HCG को डिटेक्ट करती है, उसको आपको लाना है। और जिस तरीके से मैं आपको उसमें दिखा रही हूँ, उसमें 2 ड्रॉप यूरिन की डालनी है, बहुत आसान होता है, और 2 ड्रॉप डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है। उसमें 2 पिंक लाइनें शो हो रही हैं, इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है। 1 पिंक लाइन शो हो तो उसका मतलब है आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो आप आसानी से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं।